मैत्रेय मुनि कहते हैं पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी। अब यहां पर देवहूति को देवहूति नहीं कहते हैं, क्या कह रहे हैं? बोलो बोलो, क्या कह रहे हैं? पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी। देवहूति कौन है? साध्वी है। साध्वी किसे कहते हैं? साधु पुरुष को साधु कहते हैं, और जो साधु पुरुष में गुण होता है वही गुण यदि स्त्री में हो तो उसे साध्वी कहते हैं। मान लो विदुर जी कहे कि मैत्रेय मुनि आप देवहूति को देवहूति न कहकर साध्वी क्यों कह रहे हो? साध्वी की डेफिनेशन क्या है? साध्वी किसे कहते हैं? तो साध्वी, साध्वी देवहूति को कहा गया, लेकिन साध्वी की डेफिनेशन आगे सुनिए। साध्वी किसे कहते हैं? पति अंगीत को विदा। देखिए साधु किसे कहते हैं ना, वो लगभग तीसरे चौथे दिन की कथा में आएगा, जब यही देवहूति अपने पुत्र कपिल को कहेगी कि बेटा साधु किसे कहते हैं मुझे ये बताओ, क्योंकि आज के युग में डॉक्टर को पहचानना आसान है, डिग्री बिग्री देखकर आप पहचान सकते हो, पुलिस वाले की वर्दी देखकर आप पुलिस वाले को पहचान सकते हो, आप लॉयर को पहचान सकते हो, लेकिन साधु को पहचानना बड़ा कठिन हो गया है। 250 रुपये के धोती कुर्ता मिलते हैं, पहनकर कोई साधु का वेश बना लेता है, और साधु का वेश पहनकर जगत को ठगा जा रहा है। इसलिए आगे ये बहुत सुंदर कथा आएगी, साधु किसे कहते हैं। तो फिर वो साधु के गुण आएंगे जो थोड़े बहुत आप लोग भी जानते हैं। साधु किसे कहते हैं तो बार बार आप सबने सुना है कि जिसमें वैराग्य है, जिसमें भक्ति है, जो भगवान का नाम लेता है, कीर्तन करता है, ये सब आपने सुना है, लेकिन साध्वी किसे कहते हैं? हैं? साध्वी किसे कहते हैं? बस सीताराम प्रभु क्षमा कीजिएगा, आपकी सेवा शायद कम हो जाएगी, लेकिन घर बार सब कुछ, पत्नी बच्चों को सब, पति को छोड़कर, सास ससुर को, माता पिता को छोड़कर मंदिर में बैठ जाना, क्या ये साध्वी है? यदि ये डेफिनेशन आपके दिमाग में है तो आज निकाल दीजिए। साधु किसे कहते हैं थोड़ा बहुत आप जानते हैं, और चौथे दिन आप कंप्लीटली जानेंगे साधु किसे कहते हैं, लेकिन साध्वी किसे कहते हैं? यहां पर लिखा है साध्वी किसे कहते हैं, पति अंगीत को विदा। साध्वी किसे कहते हैं? जो पति के इशारे को समझे। पति अंगित को विदा, पति के मन में क्या चल रहा है और पति के मन की इच्छा को समझकर अपने पति के मन की इच्छा को जो पूर्ण करे उसे साध्वी कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं बाबा, यहां लिखा है, देखो संस्कृत श्लोक, मैं आपको ट्रांसलेट कर रहा हूं। साध्वी किसे कहते हैं? पति अंगित को विदा। पति, पति तो समझ में आ रहा है, अंगित माने इशारा, अंगित माने मन की बात, और कोविद माने जानना। पति के मन की बात को समझकर उसकी इच्छा को पूर्ण करे उसे साध्वी कहते हैं। प्रत्येक पत्नी को चाहिए कि अपने पति के मन को न समझ सके कोई बात नहीं, एटलीस्ट पति के इशारे को तो समझे। फर्स्ट क्लास की पत्नी उसे कहते हैं कि पति को बोलना न पड़े, पति की स्थिति को देखकर समझ आए कि इनको भूख लगी है, प्यास लगी है, इनको ये चाहिए, ये चाहिए, और बिना मांगे पति को दे दे, उसे फर्स्ट क्लास की पत्नी कहते हैं। लेकिन ये न कर सके कोई बात नहीं, पति मांगे तब तो दे। पति अंगीत को, ये पुरुष लोग बहुत आशीर्वाद देने वाले इस बार मुझे कि हमारा काम आप कर रहे हैं प्रभु। खैर नहीं नहीं, ये कोई किसी का मजाक नहीं, आप समझ रहे हैं ना, आप तो सब माता जी हैं, ये तो पत्नी की बात हो रही है, आप तो ये सब चीजों से परे हो चुके हैं, त्रिगुणिया विषया वेदा है आप,
ये तो जो तीन गुणों में है ये उनके लिए है। तो साध्वी किसे कहते हैं, ये इस श्लोक में साध्वी की डेफिनेशन है। साध्वी वो है जो पति के इशारे को समझे और पति की इच्छा को पूर्ण करे, पति के हाव भाव को समझकर उनको सुख देने का प्रयास करे, उसे साध्वी कहते हैं। फर्स्ट साध्वी की पहली डेफिनेशन। दूसरा, और साध्वी के अंदर दूसरा गुण क्या होना चाहिए, आगे कहते हैं, नित्य पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभो। और साध्वी किसे कहते हैं, नित्य पर्यचरत। साध्वी वो है जो नित्य निरंतर अपने पति की सेवा करे। क्या लिखा है, नित्य परिचरत माने नित्य परिचर्या। पति अंगित कोविदा, पति के इशारे को समझकर, उनके मन की बातों को समझकर उनकी सेवा करे, और सेवा भी मूड हो जाए तब, ऐसा नहीं, नित्य रोज। जरूर नहीं कि रोज पति की सेवा करने का मूड हो ही, लेकिन मूड हो या न हो, नित्य परिचरत जो नित्य निरंतर अपने पति की सेवा करती हैं, उसे साध्वी कहते हैं, नित्य परिचरत। तो देवी देवहूति रोज अपने पति की सेवा करती थी, निरंतर सेवा करती थी। ऐसा लिखा है कि देवहूति को अपने जीवन में पति की सेवा करने के अलावा और कोई संकल्प था ही नहीं। विदुर जी कहे कि ये देवहूति किसकी तरह सेवा कर रही थी, कोई एग्जाम्पल, तो आगे कहते हैं, भवानीव भवम प्रभो। भव माने शिव, देवाधिदेव महादेव, और भवानी माने पार्वती। बोले जैसे पार्वती शिव की सेवा करती थी, जैसे भवानी भव की सेवा करती है, जैसे पार्वती शिव जी की सेवा करती है, वैसे ही देवहूति अपने पति करदम की सेवा करने लगी। मान लो यहां पर कुछ लोग कहे कि ये शिव जी का दृष्टांत क्यों दिया, लक्ष्मी नारायण का दृष्टांत दिया होता तो, है ना, लक्ष्मी जी चरणों में ही चरण दबाती रहती हैं, चरणों में बैठी रहती हैं। बोले नहीं, भगवान विष्णु का दृष्टांत इनके लिए परफेक्ट नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु तो धनी है, वैकुंठ में रहते हैं, बहुत बड़ा पद है, और देवहूति किसकी सेवा कर रही थी, उनका पति पैसों से कोई धनी नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत बड़े बंगले में रहता था, बहुत बड़ी कार रखता था, बहुत हायर फैसिलिटी में रहता था, ऐसा भी नहीं था। जैसे शिव जी परम विरक्त के रूप में बरगद के पेड़ के नीचे रहते थे, और पार्वती हिमालय की कन्या, बहुत बड़े बाप की बेटी, और जैसे भवानी भव की सेवा करती थी, वैसे देवहूति अपने पति की सेवा, यद्यपि बहुत बड़े घराने से आई थी, बहुत बड़े घर से आई थी, लेकिन अपने पति की सेवा। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या था जानते हैं, जब से इनका विवाह हुआ तब से करदम ऋषि को समाधि लग गई। करदम ऋषि समाधि में बैठे हैं और उनकी पत्नी देवहूति करदम ऋषि की सेवा किए जा रही है।